मुंबई थाने में रहने वाले मराठी लोगों का अपमान किया, और ये ऐसे कोई भी आएगा और हमारे खिलाफ कुछ भी बकते चले जाएगा ये अभी बर्दाश्त नहीं होगा। वो आया था अमेजोन से, वो अमेजोन से वापस जाए तो अच्छा है। मैं हूँ सानिया अदरीसी, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। उद्धव ठाकरे ने 24 नवंबर को महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को तत्काल वापस बुलाने की मांग करते हुए उन्हें शिवाजी महाराज पर टिप्पणियों को लेकर बढ़ते विवाद में अमेजोन के माध्यम से भेजा गया पार्सल बताया है। साथ ही कोश्यारी को नहीं हटाए जाने पर एक क्रॉस पार्टी विरोध की धमकी भी दी है और कहा है कि 2 से 5 दिनों में बड़ा आंदोलन होगा, पूरा महाराष्ट्र बंद करना पड़ेगा। आगे कहा कि राज्यपाल जो केंद्रीय सरकार द्वारा अमेजोन के पार्सल है, अगर उन्हें 2 से 5 दिनों के भीतर वापस नहीं बुलाया गया तो विरोध या बंद का आयोजन किया जाएगा। उद्धव ठाकरे ने आगे कहा कि दिल्ली से राज्यपाल महाराष्ट्र इसलिए भेजे गए हैं क्योंकि दिल्ली के वृद्धाश्रम में उनके लिए जगह नहीं बची होगी। साथ ही शिंदे सरकार पर आरोप लगाया है कि जब से उनकी सरकार ने महाराष्ट्र संभाला है तब से कोई ना कोई महाराष्ट्र की बेइज्जती किया जा रहा है। मैंने जैसे अभी अभी कहा कि पिछले कुछ दिनों में हम लगातार ये देख रहे हैं कि महाराष्ट्र का अपमान होते जा रहा है। एक तो जब से शिंदे सरकार महाराष्ट्र में आई है उसके बाद लगातार सिलसिला जारी है कि महाराष्ट्र से एक एक करके उद्योग बाहर जा रहे हैं, उद्योग बाहर जा रहे हैं, इसमें कमी पड़ रही है। इसलिए हमारे जो राज्यपाल महोदय, मैं उनको राज्यपाल महोदय नहीं कहूँगा आपसे, क्योंकि राज्यपाल पद का आदर करना चाहिए और जिसका आदर मैं करता हूँ, लेकिन इस व्यक्ति कोश्यारी बार बार महाराष्ट्र के खिलाफ या महाराष्ट्र का अपमान करते जा रही है। कुछ दिनों पहले उन्होंने हमारे सावित्रीबाई फुले के बारे में कुछ गलत कहा, उसके पहले मुंबई थाने में रहने वाले मराठी लोगों का अपमान किया, और अब तो हद हो गई। हमारे जो दैवत है छत्रपति शिवाजी महाराज, उनको उन्होंने पुराने आदर्श कर उनका उल्लेख किया। ये पुराना आदर्श क्या होता है? और इसलिए हमारे जो जिला प्रमुख है, मुझे लगता है कोल्हापुर के जिला प्रमुख, उन्होंने एक अच्छा मिसाल दिया। उन्होंने कहा बाप तो बाप होता है, नया बाप पुराना बाप ये क्या चीज होती है? तो ऐसे जो लोग होते हैं इनको तुरंत यहाँ से हटाना चाहिए। और मैंने जैसे कहा कि अब एक दो विषय पर विवाद या चर्चा हो रही है, जैसे हमारे देश के लॉ मिनिस्टर है किरण रिजिजू, उन्होंने कहा, उन्होंने तो आशंका जताई है कि जो भी हमारे जस्टिस होते हैं उनकी नियुक्ति होती है उसके लिए कोलोजियम होता है, उसके ऊपर उन्होंने आशंका जताई है कि ये इसमें अपारदर्शकता है और वो अधिकार प्राइम मिनिस्टर को होने चाहिए। मतलब ये जो पूरी संस्था है न्याय संस्था, वो भी आपके हाथ में वो लेना चाहते हैं, जिसका विरोध तो होना चाहिए और उसके ऊपर कार्रवाई कोर्ट तो करेगी। साथ ही साथ और एक विवाद चल रहा है, एक केस चल रही है सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमिश्नर के बारे में, और उसमें हमारे जो न्यायमूर्ति साहब है उन्होंने कहा है कि ये इलेक्शन कमिश्नर कैसे उनको नियुक्त किया जाता है उसके ऊपर भी एक चर्चा होनी चाहिए, उसकी कुछ तो सिस्टम होनी चाहिए। और इसी तरीके से गवर्नर या राज्यपाल कौन नियुक्त करता है, क्या क्राइटेरिया है? अब तक तो ऐसे माना जाता है और हमने देखा है कि जिसकी सरकार केंद्र में होती है वो उनके मर्जी से उनके व्यक्ति अलग अलग राज्य में भेजते हैं। स्वाभाविक है जो भी व्यक्ति वो राज्य में भेजते हैं वो उनके विचारधारा के अनुसार चलते हैं। और अब ये सवाल उठता है कि जो हमारे कोश्यारी शिवाजी महाराज जी के बारे में जो उन्होंने कहा, सावित्रीबाई फुले के बारे में उन्होंने कहा, तो विचारधारा की अगर बात करें तो ये क्या भाजपा की विचारधारा है? ये थोड़ा कम हो रहा है या इससे शायद नजर हट जाए, इसलिए हमारे जो पड़ोसी राज्य है उसके जो मुख्यमंत्री है बोम्बई, ऐसे लगता है कि उनके शरीर में भूत ने प्रवेश किया है, अंगद भूत है तो म्हणतो ना, और क्या कैसे पता नहीं हमारे 40 गांवों पर उन्होंने दावा ठोक दिया। तो क्या महाराष्ट्र में लोग रहते नहीं है? महाराष्ट्र में क्या हिम्मत नहीं रही बाकी? महाराष्ट्र का स्वाभिमान वगैरह हमने कुछ छोड़ दिया? और ये ऐसे कोई भी आएगा और हमारे खिलाफ कुछ भी बकते चले जाएगा ये अभी बर्दाश्त नहीं होगा। और इसलिए मैंने कहा कि अब समय आया है, ये सारी जो बातें हैं हम अनदेखी करें तो शायद आगे जाकर हमें कुछ दिखाई नहीं देगा। तो अब समय है और मैं आपके माध्यम से जितने सारे महाराष्ट्र के प्रेमी है, छत्रपति शिवाजी महाराज जी के प्रेमी है, फुले शाहू अम्बेडकर सब प्रेमी है, भक्त है, उनको मैं कहता हूँ चलो पार्टी बाजू में रखते हैं, अगर हमारा राज्य रहेगा तो हम रहेंगे। देश तो बड़ा है, देश तो रहना ही चाहिए, लेकिन राज्य की अस्मिता, राज्य का स्वाभिमान, उसको अगर ठेस पहुंचती है तो हमें इकट्ठा आकर उसका विरोध करना चाहिए। और कुछ दिन इंतजार करेंगे, 2-5 दिन इंतजार करेंगे, अगर ये जो पार्सल है
वो आया था अमेजोन से, वो अमेजोन से वापस जाए तो अच्छा है, नहीं तो उसको वापस भेजना पड़ेगा और नई कोई काबिल व्यक्ति महाराष्ट्र में इस स्थान पर आनी चाहिए, अन्यथा हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जैसे महाराष्ट्र बंद की बात हो